थैंक यू वेरी मच। हमारा आज का एक्सपीरियंस बहुत हौसला अफज़ा रहा। अराउंड 100 लोगों को हमने काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। मुख्तलिफ किस्म की सर्विसेज थी जिसमें वीज़ा है, नेशनलिटी रिनाउंसिएशन के केसेस हैं, अटेस्टेशन है। तो बड़ा एनकरेजिंग रहा एंड आई थिंक कि हम बहुत सारी जो हमारी आवाम है उसको सर्व कर पाए। जी, बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था कोविड के बावजूद और हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखा गया। तो ये जो आइडिया है, ये सिलसिला जो काउंसलर विजिट्स का शुरू किया है, क्या इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और इसका मकसद क्या था? जी इंशाल्लाह, जब से मेरे यहाँ पे तैनाती ही है मेरा यही इरादा था, जिसको मैंने अमली जामा भी यहाँ पे पहुँचाया। ये मेरी सेकंड विज़िट थी सारब्रुकन के बाद। इंशाल्लाह दीगर शहरों का भी दौरा करेंगे। बुनियादी मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक है कि जो हमारे लोग जर्मनी में बसते हैं उनकी जो काउंसलर रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा किया जाए, खुसूसन उन लोगों के लिए जो कि किसी भी वजह से काउंसलेट जो कि फ्रैंकफर्ट में तकरीबन यहाँ से कोई 400-100 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर जाना जिनके लिए मुमकिन नहीं है, तो उनकी सर्विस जो है ये बुनियादी मकसद था। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया और हमारे साथ जितने भी मुंतजमीन थे, किरदार हैं, जिन्होंने हेल्प की, उन सब की तरफ से, पाकिस्तानी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये तावन जो है बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया जी इंशाल्लाह, मैं आपके इस फोरम की वसादत से जो पाकिस्तानी तंजीमें यहाँ पे म्यूनिख में हैं, खुसूसन जो जीसीसी है और जीपीसीसी है और जो डोचे कल्चर वेलफेयर सोसाइटी है, उनकी उनकी जो इंतज़ामिया है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक तो हमारे यहाँ आने का जो पैगाम है वो लोगों तक पहुँचाया, प्लस उन्होंने यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात थे उनमें हमारी बहुत मदद की। तो इंशाल्लाह ये तआवुन जिस तरह यहाँ रहा है ये मज़ीद आइंदा भी चलेगा और पुख्ता होगा। जी नाज़रीन, जाहिद साहब का बहुत शुक्रिया। और आज यहाँ पर बहुत अच्छा ये सिलसिला रहा, लोगों ने बहुत फ़ायदा उठाया सर्विस का। और आप लोग तो हम से मिली हम इजाज़त, उर्दू रेडियो डॉट कॉम की टीम, और हमारे साथ जुड़िए रहिए। और